अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपका चटपटे चटखारे में। तो जी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक बेहतरीन सी ब्लैक मसाला टी, या फिर आप मसाला चाय भी बोल सकते हैं। इस बढ़ती ठंड में, बदलते मौसम में, अगर आपको भी सर्दी जुकाम सर दर्द है तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। तो चलिए देख लेते हैं इस बेहतरीन सी फायदेमंद मसाला टी को हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए रख देंगे एक बर्तन में, और 2.5 कप पानी लिया है मैंने। यहाँ पर 2 कप चाय बना रही हूँ तो 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया। जब तक पानी गर्म होता है आ जाते हैं हम इधर, अपने मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मसाले में लिया है दालचीनी के 2 छोटे छोटे पीस, 8 दाने लिए हैं गिन के मैंने काली मिर्च के, 1 बड़ी इलायची ली है, काली इलायची भी जिसको बोलते हैं, और 4 लौंग लिए हैं, और 1 इंच का अदरक का एक टुकड़ा लिया है, और 1 जायफल लिया है। जायफल को मैं डालूंगी बाद में, किस टाइम डालना है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। इन सारे मसालों को मैं इस तरह से डाल के इसमें कूट लेना है, मिक्सर में पीसना नहीं है, किस कूट के ही डालना है इन सारे मसालों को। तो अगर आप 1 कप चाय बनाने वाले हैं तो फिर आप इन सारे मसालों को आधा कर देना, और 2 कप के लिए इतने मसाले ही डालना है, इससे ज़्यादा मत डालना, बस इतने मसाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारे 2 कप चाय के लिए। 1 कप चाय में हमें 2 लौंग और 4 दाने काली मिर्च के डालना है। तो बस इनको मोटा मोटा सा कूट लेना है, एकदम बारीक पीसना नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें कूट लिया है, और अब इसको कूटने के बाद हमारा जो पानी गर्म हो चुका है, गर्म पानी में इसको डाल देना है पकने के लिए। तो बस ये पकते हुए पानी में इसको डाल देंगे, और इसको चाय को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि जो मसालों के फायदे हैं, जो इनका फ्लेवर है, वो सारा चाय में आ जाए, और हमारे सर्दी जुकाम सर दर्द के लिए एक बेहतरीन सी मसाला टी बन के तैयार हो जाए। अच्छा, जो हमने जायफल लिया था वो इस तरीके से डालेंगे घिस के। तो 2 कप चाय के लिए मतलब 1 पिंच जायफल लेना है, ये छोटे साइज का जायफल है। तो मैंने इसको देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना घिसा है, सिर्फ 1 पिंच ही लेना है। अगर 1 कप चाय बना रहे हैं तो आधा पिंच के इतना ही जायफल पाउडर हो अगर आपके पास तो वो डाल दीजिए, नहीं तो फिर इस तरह से घिस के डाल दीजिए। जायफल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, छोटे बच्चों को अगर सर्दी हो रही तो उनको हल्का सा घिस के शहद में और चटा देंगे ना तो उनको भी फायदा हो जाता है। तो ये देखिए चाय अच्छी तरह से पकने लगी है, इसको स्लो पे पकाया है मैंने थोड़ी देर, और 2 पिंच के इतना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक भी जब सर्दी जुकाम होता है ना, गला बंद होता है, तो उसमें हमारे गले की सिकाई होती है, बहुत फायदा करता है नमक भी। तो बस ये मसाला टी आप बनाएंगे और एक बार जब पियेंगे तो आपको इसके फायदे मालूम पड़ेंगे, तो जरूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए चाय अच्छी तरह से जब पक चुकेगी तो इसमें मैं थोड़ी सी चाय की पत्ती डाली है मैंने, एकदम जो चाय की पत्ती में जो चम्मच रहता है ना, जो हमारे डिब्बों में घर में रहता है किचन में चाय की पत्ती में छोटा सा चम्मच, तो वो चम्मच से मैंने आधे चम्मच से भी कम चाय की पत्ती का यहाँ इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डालूंगी गुड़। गुड़ डालने से इसके फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं चाय के, तो गुड़ का इस्तेमाल करिएगा, शक्कर बिल्कुल मत डालिएगा। तो अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो फिर आप चाय को हल्का सा जब पीने लायक गुनगुनी सी हो जाएगी तो उस टाइम पे शहद मिला लेना 1 चम्मच और पी लेना, शहद के भी बहुत अपने फायदे हैं, शक्कर मत डालना है इसमें। तो बस ये देखिए अच्छी तरह से गुड़ डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से पका लिया, और हमारी बेहतरीन सी चाय का कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है, और ये तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसको कप पे निकाल देते हैं और गर्मा गर्म सर्दी जुकाम वाले लोगों को सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी बेहतरीन सी घर के ही रखे हुए, किचन में रखे हुए मसालों से हमारी दवा एक तरीके से ये तैयार हो गई है। ये नुस्खा है पुराने बड़े लोगों का, हमारी दादी नानी इस तरह से बनाया करती थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर इस बदलते मौसम में, इस सर्दी में, अगर आपको भी तकलीफ है, सर दर्द है, जुकाम है, बुखार है, उसमें बदन दर्द में सब में ये फायदा करती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चटपटे चटखारे को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल देन अल्लाह निगेबान।